चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे हम सीटेट 2019 के लिए ईबीएस सेक्शन। ईबीएस से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो पैडागॉजी से रिलेटेड होंगे। तो पैडागॉजी है वो हम जब थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके साथ ही वो हमारे आ जाएंगे। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जो 30 क्वेश्चन है उसमें से हम पहले 15 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल बेस है उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईबीएस। EBS का फुल फॉर्म जो है वो है एनवायरमेंटल स्टडी, इसका मतलब होता है पर्यावरणीय अध्ययन। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा एक कारण है कि EBS एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? डायनेमिक सब्जेक्ट है, जिसका मतलब होता है गतिशील। गतिशील से यहाँ तात्पर्य यह है कि लगातार रोजमर्रा की लाइफ में आप देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो हमारे पर्यावरण से या हमारे एनवायरमेंट से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि ऐसे वो कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये एग्जाम में काफी हाईलाइटेड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि लगातार कुछ स्पीसीज एक्सटेंट हो रही है, यानी कि वो विलुप्त हो रही है। इसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है, जबकि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं कि जो विलुप्त हो गई थी, लगा के विलुप्त हो गई हैं, बाद में वो देखी गई हैं। तो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं लगातार हमारे करंट को अफेक्ट करते रहते हैं। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो उसको आज हम अपने यहां से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि लगातार हम सिलेबस को आगे बढ़ाते चलें, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले ये देखते हैं कि आखिरकार जो ईबीएस है इसमें किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन है। तो मोस्टली जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इनके अगर हम हिंदी रूपांतरण देखें तो इकोलॉजी को कहा जाता है पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। और जो आपका एनवायरमेंट है इसे बोलते हैं पर्यावरण। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं पर्यावरण पर्यावरण, लेकिन एक्चुअल में जो हम सुनते आ रहे हैं उससे थोड़ा हटके है पर्यावरण। तो हम एनवायरमेंट को यहाँ बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले इसके हम जेन्युइन टर्म्स को कर लेंगे यहाँ पर डिस्कस, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी। हिंदी में बोलेंगे पारिस्थितिकी। तो शुरुआत में जो इस इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें जो दो शब्द हैं उसमें एक है ओइकस और दूसरा है लोगस। जो ओइकस है, ओइकस का मतलब होता है हाउस यानी कि घर, और जो लोगस है वो बना है किससे? लॉजी से, जिसका मतलब होता है आपका स्टडी अध्ययन। इस तरीके से हम देखेंगे कि इकोलॉजी का बेसिक जो मतलब है वो है घर का अध्ययन। अब यहाँ घर से तात्पर्य हमारे आपका घर नहीं है, यहाँ घर से तात्पर्य है यहाँ हम संपूर्ण पृथ्वी को अपना घर मानेंगे और उसके बाद उसमें होने वाली जो एक्टिविटी है उनको यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरीके से इकोलॉजी द स्टडी ऑफ हाउस यानी कि जो एनवायरमेंट है उसको कहा जाएगा। तो इसके बाद ही इसी से संबंधित आपका जो टॉपिक है वो है आपका पर्यावरण, जिसे इसके हम साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। पर्यावरण का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो ये बेसिक आ जाता है परिधन आवरण। ये लगातार हम सुनते चले आ रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा, एक ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। लेकिन बात ये आती है यहाँ पर कि कौन किसे घेरे हुए है। तो यहाँ हम देखेंगे अजैव घटक जैव घटकों को घेरे हुए हैं, यानी कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स को घेरे हुए हैं। अब ये एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक जो है वो हम इकोलॉजी में डिस्कस करेंगे और जो इफेक्ट कहाँ डालते हैं? एनवायरमेंट पे, ठीक है स्टूडेंट? और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी को जो टर्म है वो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। तो इकोलॉजी टर्म या इकोलॉजी साइंस है वो स्टार्ट की थी अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के या पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो वो है महोदय अर्नेस्ट हैकेल, ठीक? तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और इसी इकोलॉजी में जो जैविक और अजैविक घटक है, जब उनके बीच की अंतर क्रियाओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे तो ये इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र का निर्माण कर देते हैं। तो वो जो पारितंत्र है उसको लेकर के आने वाले हैं आपके टेंसले साहब, ठीक है, एजी टेंसले। चलो इसको रफ करके फिर देखेंगे। तो अब हम यहाँ बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हाँ आपने समझा इकोलॉजी। इकोलॉजी में इसकी जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। मुख्यतः दो प्रमुख ब्रांचेस हैं इकोलॉजी की,
जो हमें यहां पढ़नी है, एक तो होती है ऑटो इकोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं स्वयं पारिस्थितिकी। अगर इसकी हम ब्रांच की बात करें, शाखाओं की बात करें इसकी हम, तो इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली कौन सी है? स्वयं पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी मतलब होता है ऑटो इकोलॉजी। आखिरकार ये क्या है? तो स्वयं पारिस्थितिकी में करते क्या है, किसी एक जीव या जाति की उसके पर्यावरण के साथ गहन अध्ययन को हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी या स्वयं पारिस्थितिकी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां या तो कोई एक जीव होगा या फिर उसकी समस्त कोई एक जाति, केवल एक जाति या एक जीव, तो उसे बोलते हैं हम क्या? स्वयं पारिस्थितिकी। जबकि इसका जो दूसरा पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी में करेंगे क्या? एक ही जगह पर रहने वाली समस्त जीव जातियों का अध्ययन। अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी जीव जातियां हैं उन सबका अगर मैं एक साथ अध्ययन करना चाहूं तो उसे कहा कहा जाएगा? उसे बोलेंगे हम लोग समुदाय पारिस्थितिकी। तो इस तरीके से ईवीएस में हम देखेंगे इकोलॉजी, इकोलॉजी में इसकी जो प्रमुख जो दो ब्रांचेस हैं वो है स्वयं पारिस्थितिकी एंड समुदाय पारिस्थितिकी। बस यहां से क्वेश्चन हमेशा उठते हैं और एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना है, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अब इसके साथ हम देखेंगे इसे घटक कि आखिरकार जो इकोसिस्टम इकोलॉजी है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इकोलॉजी में हम देखेंगे कुछ प्रमुख घटक होते हैं, तो दो प्रमुख घटक हैं जिसमें से एक तो आपका होता है जैव घटक और जो दूसरा होता है वो है आपका अजैव घटक। इनके आपस की अंतरक्रिया ही पारिस्थितिकी कहलाती है। मतलब जैविक तथा अजैविक घटकों की पारस्परिक अंतरक्रियाओं को पारिस्थितिकी कहा जाता है तथा इन अंतरक्रियाओं के संबंध में बने हुए तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। समझ में आया? तो है क्या, जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो परस्पर अंतरक्रियाएं हो रही हैं उससे एक सिस्टम, एक तंत्र बनेगा जिसे हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहेंगे। और इस पूरे सिस्टम की जो स्टडी है उसे क्या बोलेंगे हम? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर ये आपका जैविक घटक हो गया, ये आपका अजैविक घटक हो गया। इनके बीच की जो अंतरक्रियाएं हैं उनको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम, इनकी पारितंत्र। अब हम यहां पर इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इकोसिस्टम में कौन कौन से फैक्टर हैं, घटक हैं और वो किस तरीके से आपस में अंतरक्रियाएं करते हैं। तो अब यहां पर स्टार्ट करेंगे हम आपका इकोसिस्टम। तो चलिए डालिए हेडिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का हिंदी रूपांतरण है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। यह दो मुख्य घटकों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें जो प्रथम घटक है वो हमेशा अजैव लेंगे हम लोग, ये यहां ध्यान देने वाली बात है, अजैव घटक। और जो दूसरा है वो आपका कौन सा है? जैव घटक या जैविक घटक, एक ही बात है। तो चाहे आप जैव घटक लिखें या अजैव घटक, सॉरी जैविक घटक। अजैव घटक को हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ये काफी यहां पे ध्यान देने लायक है। और जो जैविक घटक है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कभी कहीं यहां पर बायोटिक कम्युनिटी भी इस्तेमाल किया हुआ है। अजैव घटक में देखें तो कौन कौन से आएंगे, तो उसमें आपका जो है प्रकाश है, आपकी तापमान है, आर्द्रता है, एयर यानी कि हवा है, वाटर यानी कि पानी है, जल, ये सारी चीजें। आर्द्रता है वो भी शामिल इसमें कर लेंगे हम, आर्द्रता है। ऐसे ही बेसिक बेसिक इसकी जो है अजैव घटक है, यानी कि जो भी आपने ज्योग्राफी में डिस्कस किया हुआ है वो सब की सब इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन हम यहां ज्योग्राफी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं आपका कौन सा, ये अजैव घटक और जैव घटक, यानी कि हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं ना कि यहां पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा जैव घटक। जैव घटक में तीन रखे गए हैं, पहला है आपका प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक। अब यहां सोचेंगे उत्पादक कौन है, तो हमेशा किसी भी पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं वो हमेशा हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो यहां पर जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब उत्पादक में आएंगे।
ऑल ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड इन प्रोड्यूसर्स. एंड सेकेंड इज आपका है उपभोक्ता. काफी हद तक यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की याद आ रही होगी क्योंकि उत्पादक उपभोक्ता ये सारी चीजें वहां भी देखने को मिलती हैं, पर हम इकोनॉमिक्स नहीं यहाँ इकोलॉजी पढ़ रहे हैं. उपभोक्ता इसमें जो है सभी जीवधारी शामिल होंगे, खासकर जंतु, हम सब फिर ह्यूमन. और तीसरा है उसे बोलेंगे हम अपघटक, कि किसी भी पारितंत्र के सबसे इंपॉर्टेंट घटक हैं क्योंकि ये हमेशा डिकम्पोज करने काम आते हैं. तो उत्पादक इन्हें बेसिक अगर इंग्लिश टर्म देखा जाए तो इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, और उपभोक्ता को बोलेंगे हम लोग कंज्यूमर्स, और अपघटक को बोलेंगे डीकम्पोजर्स. ये थोड़ा ध्यान देने लायक है अपघटक. डिकम्पोज यानी कि मृत जीवों को, मृत पदार्थों को डिकम्पोज यानी कि तोड़ने वाले घटक. यहां पर हमेशा बैक्टीरिया और फंजाई यानी कि जीवाणु और आपके जो फंगस हैं इनको शामिल रखा जाएगा. ठीक है, चलिए तो ये एक इसका बेसिक क्लासिफिकेशन था पारितंत्र का. अब हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार की अंतर्क्रियाएं इन जीवों के बीच में होती हैं. तो यहां पर हम चार प्रकार की घटनाएं देखेंगे, जैव का जैव के साथ, उसके बाद होगा जैव का अजैव के साथ, उसके बाद होगा अजैव का जैव के साथ, और एक हो जाएगा अजैव का अजैव के साथ. सुनने में काफी अजीब अटपटा लग रहा होगा कि ये तो सब एक ही जैसी बातें हैं, लेकिन नहीं, इनमें बेसिक अंतर है. जैव का जैव से मतलब है जब जो दो जीवधारी आपस में अंतर्क्रिया करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, जैव का जैव के साथ. और जब एक जीवधारी अपने जो फिजिकल जो कंपोनेंट्स है यानी कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है उनके साथ करेगा तो क्या बोलेंगे, जैव का अजैव के साथ. जब अजैव घटक जैव के ऊपर डालेगा इफेक्ट तो उसे क्या बोलेंगे, अजैव का जैव के साथ. जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया, हमें पसीना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या, ये अजैव ने जैव के ऊपर डाला है इफेक्ट. और जब हम बात करेंगे अजैव का अजैव के साथ तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे होंगे. जैसे कि सनलाइट, सनलाइट की वजह से ही बाष्पन होता है, उसके बाद बादल बनते हैं और पानी बरसता है. तो इस प्रकार की चार प्रकार की अंतर्क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टाइप की रिएक्शंस हैं इसमें, वो है एक तो जैव का अजैव के साथ और दूसरा है अजैव का जैव के साथ. ये हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है. इस प्रकार से हम देखें ईबीएस में हमने आज इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और उसके साथ साथ हमने पाइथन के बारे में पढ़ा और जाना. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अब अगली स्लाइड लेके आएंगे तब वहां मिलेंगे, तब तक इसको पढ़िए.